जय हिंद जय भारत रेबल सदानंद पति, आप लोगों से केवल एक बात बोलूंगा कि 14 तारीख को आप लोगों के लिए आया था मैं, और सुरेंद्र का ही फोन आया था मेरे पास रात में, वो ऑडियो मैंने डाल दिया, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं तो जाता नहीं, पर मैं आया वहां पे, और अच्छा हुआ जो आया ताकि आप लोगों के साथ कोई दिक्कत ना हो। सिंगू बॉर्डर में आप लोगों के लिए बात भी की है ना, आप लोगों से कुछ लिया तो है नहीं, कुछ मेहनत ही करा होगा, अच्छे संस्कार है मेरे। लेकिन जब मैं आया हूँ कल वापस वहां से, 16 तारीख रहा है कल, जी कल 16 था, आज 17 है ना, 16 के वापस आने के बाद आप लोग मेरे जाने के बाद मेरे बारे में ऐसी चर्चाएं करते हैं, थोड़ा तो सोचिएगा। आप लोगों के लिए दौड़ा ही है, कुछ लिया नहीं है, इतनी शर्म तो रखिएगा कम से कम, है ना। हम लोग का मन कितना दुखता होगा, छोटे भाई बहन है आप लोग, आप लोगों के लिए दौड़ दौड़ के मीडिया इंटरव्यू कराए, क्या लिया है भाई आप लोगों से, सारा दिन देते हैं, 3-3 घंटे आने में लगते हैं, 3 घंटे जाने में लगते हैं, लिया क्या आप लोगों से। और एक गधा है, जो भी है वो गधा हो, जो ये कहता हो कि 10-10 लाख खर्च होते हैं, बेवकूफ हैं आप, किसी ने नहीं बोला है पहली बात। अरे कोई कपिल सिब्बल को हायर करने जा रहे हो क्या आप लोग, बड़े बड़े लॉयर्स को, है। एक इतनी सी बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन पहले हाईकोर्ट जाओ, पर तैयारी सुप्रीम कोर्ट की भी करके चलो, ये तुम्हारे कैरियर की बात है ना। अरे ये तो आप लोगों को तय करना है, मेरा मुद्दा तो है नहीं। कुछ लिया है क्या किसी से, हमने कभी मांगा है आप लोगों से, मांगा है क्या आप लोगों से नहीं। भाई बिहार वालों का कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे, और भी जो भाई बहन चाहे उनका भी करेंगे। पर एक बात बोलूंगा, सुरेंद्र रोहित और ये जितने भी लोग हैं ना भाई, किसी के बहकावे में मत जाना, गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं। पुलिस वाले आपके सामने आए थे, देखा था ना आपने, है ना, गंदे लोग हैं, गंदे लोगों से दूर रहिएगा, बस इतना ही बोलूंगा। इसीलिए कि गंदगी आप लोगों के बीच में होनी नहीं चाहिए, आप लोग जवान है, मेरे भाई बहन है, मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए आया, क्या लिया आप लोगों से आज तक बोलिए। 10 दिन से लेकर आप लोगों के लिए समर्पित हूं, फिर भी आप लोग ऐसे गंदे लोगों की बातें सुनते हैं। मैंने आपको ना ऑडियो डाल दिया है सुरेंद्र का, आज सुनिएगा उसमें सॉरी भी क्यों फील कर रहा है। मैंने तो सॉरी नहीं फील की किसी से, पर मुझे बहुत महसूस हुआ। भगवान करे आप लोगों के भी बड़े भाई बहन होंगे घर में, माता पिता होंगे, उन्हें भी दुख होगा, हम तो आपको भाई बहन मानते हैं सभी को, इतना आप लोगों का ध्यान रखा, फिर भी यही व्यवहार, ऐसे ही है क्या आप लोग, सोचिएगा, थोड़ा संस्कार रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, ऑल द बेस्ट। जिनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मैं आगे तक लड़ूंगा, मैं बीच में नहीं छोड़ता किसी को, एसएससी जीडी की बात है लड़ूंगा, और जो लोग साथ है ना इनको मिलाऊंगा, सभी केंद्रीय मंत्री से भी जरूर मिलाऊंगा, और इनका केस भी लड़ रहा हूं, आगे भी जो लोग आएंगे उनके लिए भी मेहनत करूंगा। पर ये सुरेंद्र और रोहित फोहित, इनके जैसे बच्चों से दूर रखिएगा, लीडर बनने नहीं आए भाई, अपनी वर्दी लेने आए हैं।